प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। किन लग्नों में कौन सा रत्न धारण करें, किससे रोग बीमारियों से सुरक्षा मिल सकती है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले मेष लग्न के साथ शुरुआत करते हैं। लग्न के हिसाब से अर्पिता हम ये समझते हैं कि आपकी शरीर की टेंडेंसी क्या है, किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और कौन सा ग्रह आपको सुरक्षित बना सकता है जी। तो अगर हम मेष लग्न की बात करें तो इनके लिए सूर्य का जो रत्न है माणिक्य धारण करना इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कुछ स्थितियों में मेष लग्न के लोग अगर चाहें तो मोती भी धारण कर सकते हैं, मोती पहनने से भी मेष लग्न में फायदा होता है। लेकिन 90% मामलों में मेष लग्न के लोग अगर माणिक्य पहने तो सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं, वृषभ लग्न के बारे में जानते हैं जी। वृषभ लग्न की बात करें तो इनके लिए शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इनके लिए सर्वोत्तम रत्न पहले नंबर पे तो नीलम है, क्योंकि शनि योग कारक है तो वृषभ लग्न में नीलम पहनना बहुत अच्छा होता है। सलाह लेकर के नीलम पहने आप स्वस्थ रहेंगे। और नीलम के साथ अगर आप ओपल पहन लें या अगर आप हीरा पहन लें तो आप स्वस्थ रहेंगे, सामान्यतः बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। बिल्कुल, अब अगला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न यानी बुध का लग्न है और मिथुन लग्न वालों को सामान्यतः मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर जल्दी फील होता है, जिस वजह से जल्दी बीमार होते हैं जी। तो मिथुन लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा रत्न होता है पन्ना, एमरल्ड। मिथुन लग्न के लोग अगर पन्ना धारण करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ इनको आग्नेय रत्न नहीं पहनने चाहिए, जो अग्नि वाले रत्न हैं जैसे मूंगा है, माणिक्य है, लहसुनिया है, ये इनको पहनने से परहेज करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों को पन्ना जरूर सूट करता है, आपकी हर तरह की बीमारियों से आपकी रक्षा करता है, तो अगर आप पन्ना पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।